ये देखिए मेरी सिस्टर जो है मेरी चोटियों वाली वैक्स कर रही है। आज का मेरा प्लान है ये ड्रॉ साफ करने का, ये देख रहे हैं आप। आज मैंने 7 बजे व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो क्या नाचो मैं? स्माइल हेलो कर दो। बाँ। ओए हेलो कर दो ना। नीनो से उठी है, स्कूल जाएंगे ना अभी। A few moments later. ये है स्माइल का नाश्ता और स्माइल भी कर रहे हैं। स्माइल को नाश्ता दे दूँ। ये स्माइल का लंच बॉक्स रेडी हो रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि उसको उसके हिसाब का लंच बॉक्स मिले, जो खुशी से नहीं खाते कभी कभार। तो ये मैंने केचप लगाई है, इसके ऊपर पता नहीं आप लोग क्या समझे। लंच बॉक्स रेडी हो चुका है। ओके डन। मज़ा आए, बोतल भी हो गई है। बैग में ड्यूटी से अब मैं हस्बैंड का नाश्ता तैयार करने लगी हूँ, क्योंकि वो पराठा खाते हैं। इस बार डबल रोटी खा के स्कूल चले गए थे और अब मैं पराठा बनाऊँगी, तो मैं पराठा बना रही हूँ। सो गाइस, ये मेरा नाश्ता तैयार है और हस्बैंड चाहे पराठा खा लेते हैं, खाना खरीद नहीं करते तो बस खा लेते हैं। 2000 years later. आज का मेरा प्लान है ये ड्रॉ साफ करने का, ये देख रहे हैं आप कितनी सारी चीज़ें हैं, इनको साफ करना है। और जो चीज़ें इसके अंदर से निकाली है मैंने वो ये हैं। ये सारी चीज़ें इसी ड्रॉस के अंदर जाएंगी, तो मेरा आज का ये प्लान है और इसको साफ करना है, इनको सही से बिल्कुल साफ करके अच्छे तरीके से रखना है। बस ये मेरी आज की एक क्या कहना चाहिए, मिशन है, मिशन। मेरे प्यारे से हस्बैंड की तस्वीरें मिल गई, 3 तस्वीरें मिल गई उनकी, साफ करते हैं वो कबट। गाइस देख रहे हैं मैंने कैसे ड्रॉ साफ किया है अंदर से। अब इसके अंदर चीज़ें रखेंगे, अब फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए गाइस किस तरह मैं अपनी कबट साफ कर चुकी हूँ, सारी चीज़ें सही से रख दी हैं मैंने और मैं अपने मिशन में कामयाब हुई। आ गई स्कूल से, इधर कर दो, हेलो कर दो, अस्सलाम वालेकुम बोल दो। भाई थकी हुई है ना, इसलिए माइल के शौक शौक छुटाड़ने है ना भाई, थक गई है ना बहुत ज़्यादा। ये तू शूज दो भाई, मम्माओं को सारे काम करने पड़ते मेरी बच्ची। अच्छा अपना खाना फिनिश कर दिया, इस्माइल अभी खाना खा रहे हैं, है इस्माइल। 10 years later. तो भाई सब कबट वगैरह की सफाई करने के बाद अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे जाना है अम्मी के घर। और अभी मैं छत पे आई हूँ, क्योंकि मैंने बोला ऊपर जाके इस बाल से काफ़ी, क्योंकि नीचे बहुत गर्मी है और लाइट गई हुई थी हमारी। मैंने बोला तैयार वैर होके बस मैं एंड टाइम बस बाल सुखाने ऊपर जाऊँगी छत पर, तो बस हम बाल सुखाने हैं। हेलो इस्माइल, इधर देखो, स्माइल भी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं कुछ। मैं पौधों को पानी दे रही। कौन से पौधे हैं यहाँ पे दिखाओ, बस अजीब से कोई इसके अपने ही पौधे हैं, अपने ही पौधे हैं। हम लोग जा रहे हैं तो मैं वहाँ पहुँच के आपको बताती हूँ। गाइस हम पहुंच चुके थे और यहाँ लाइट नहीं है आप जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसलिए हेलो कर दो। आप कहाँ से आ गई बीच में, हेलो करो। हेलो। अच्छा उनके उनके मुंह बुग्गे में पानी था। हेलो हेलो। और इस्माइल आप भी कर दो, हेलो। हाँ आप कहाँ आए हुए हो? आईवी के घर, नानों के घर। हालत देखो क्या हो रही है अपनी पसीने से। अभी मैं अपनी सिस्टर से वैक्स करवाने लगी हूँ और
वो अपना चेहरा रिवील नहीं करती क्योंकि उसको घर से परमिशन नहीं है, इसलिए वो अपना चेहरा नहीं दिखाती, तो मैं उसका चेहरा नहीं दिखाऊंगी आपको। अच्छा, ये देखिए मेरी सिस्टर जो है मेरी चोटियों वाली वैक्स कर रही है। चल कर लेकिन इसमें चूंटियां आ जाती है ना, मीठी होती है, मुझे नहीं पता था। भाई इतनी स्पीड किसी की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वाओ क्या स्पीड है मेरी बहन की। One year later. Everyone, मैं आ गई थी घर पे और बस अभी अभी हम लोग आए हैं और लाइट जा चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं हम छत पे आए हैं, तो स्माइल सबको टाटा कर दें, हम सोने लगे हैं, हम बोले सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को जल्दी से, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को और शेयर कर दे। हाँ चलिए जी, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ और दुआओं में याद रखिएगा और आप सब अपना ख्याल रखिएगा, तो मुझे चीज़ें इजाज़त दीजिए इजाजत और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय 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 टाटा गुड बाय।